फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल सो टू दिस टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन द लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन ठीक है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टोटल जो है हम फोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास मीनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जहां पर हमारा मेन फोकस जो रहता है वो ये डिटरमाइन करना रहता है कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना कितना प्रोपोर्शन किस किस सोर्स ऑफ फंड से रेस किया गया है ठीक है इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट प्रोपोर्शनेट दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में देखने को मिलेगा दैट इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सिस ऑफ फंड इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म सपोज कीजिए कंपनी की कैपिटल है टेन लैख ,00 तो इस टोटल कैपिटल में डिफरेंट सोर्सिस का कितना कितना प्रपोर्शन है कि इक्विटी कैपिटल से कितना प्रपोर्शन जो है टेन लैख ,00 का रेस किया है और डिबेंचर्स uh, के थ्रू कितना रेस किया गया है इस टेन लैख ,00 का और कितना जो है सर प्लस का प्रपोर्शन है ठीक है तो वो हमारे पास होता है कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द मिक्स ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट है तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन इट इज अ कॉम्बिनेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स के प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर रहता है इन द टोटल कैपिटल और यहाँ पर क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दैट मीन्स नॉन करंट जो लाइविलिटी साइड आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म वॉरिंग्स जो शो होता है उसके साथ साथ जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ठीक है जो बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं जो बिजनेस के शॉर्ट टर्म बोर्डिंग हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड रहती हैं द मेन डिफरेंस इज रिलेटेड टू दिस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स ठीक है जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास बैलेंस शीट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइबलिटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट क्यों हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को एक पार्ट कहा है लाइबिलिटी सेक्शन का बैलेंस शीट की क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी सेक्शन को शो नहीं करता क्योंकि लाइबलिटी साइड पर करंट लाइबिलिटीज भी शो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज के साथ और करंट लाइबिलिटीज हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को कहा है कि वो एक पार्ट है पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड को वो शो नहीं करता इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जबकि नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसीलिए ये सारी की सारी आइटम जो लाइबिलिटीज सेक्शन में होती है बैलेंस शीट की उनको इंक्लूड करता है ठीक है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ऑल द लाइबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट दैट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज एज वेल एज द करंट लाइबिलिटीज नेक्स्ट वन इज द स्कोप स्कोप आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि किसका ज्यादा होगा स्कोप ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ज्यादा वाइडर है ज्यादा ब्रॉडर है क्यों क्योंकि यहां पर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज के साथ साथ करंट लाइबिलिटीज भी इंक्लूड करते हैं नॉट ओनली द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड आर इंक्लूडेड बल्कि जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं फंडस के शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स हैं अकाउंट पेबल्स हैं वो सब भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर का स्कोप नैरो है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट को इंक्लूड करता है ठीक है दैट दैट इज इज ऑफ ऑफ नॉन करंट लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म सोर्सेज सोर्सेज फंड्स कौन से होते हैं फंड्स के इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो बैंक से पैसा बोरो किया गया है कंपनीज के द्वारा ठीक है तो वो सब यहां पर आता है डिबेंचर्स एंड बोर्न होते हैं तो स्कोप किसका वाइडर है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्चर का स्कोप वाइडर है क्योंकि वहां पर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स इंक्लूडेड रहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट मीन्स कि कौन कौन सी चीजें किस में इंक्लूड रहती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी द इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास रहते हैं वो क्या है इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड रिटेन अर्निंग्स इस सारी चीजें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का भी पार्ट होती हैं सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी जो कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको दिखती हैं बैलेंस शीट में जैसे कि अकाउंट पेबर्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आई होप सो इन सभी टर्म्स का मीनिंग आपको पता है अगर नहीं पता है तो सबका मीनिंग मैंने क्लियर किया हुआ है मेरे चैनल पर सबके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं यू कैन हैव अ रेफरेंस टू ऑल ऑफ दोज वीडियोस ठीक है आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको सब अवेलेबल है स्टिल मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं इन दोनों में जो मेन डिफरेंस रहता है वो यही रहता है ये दोनों ही शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं टाइप है शेयर कैपिटल का वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल अदर वन इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्या होता है कि जब एक कंपनी पब्लिक uh, जाकर अपने शेयर्स को इशू करती है शेयर्स को इशू करने का मतलब कि अपनी कंपनी में एक ओनरशिप देने के बदले वो लोगों को कहती है कि मुझे फंड्स तो मैं आपको अपनी कंपनी में हिस्सा दूंगा मतलब कि अपनी कंपनी का मैं आपको पार्ट बनाऊंगा ठीक है तो वो जो है कंपनी करती है इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर कर और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि एक प्रेफरेंस राइट जिन्हें मिला जाता है एक प्रेफरेंस होती है उनके पास कि अगर इन द फ्यूचर जब भी कैपिटल रिडीम किया जाएगा जब भी कैपिटल रिटर्न किया जाएगा टू द शेयर होल्डर्स तो प्रेफरेंस जो है इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी और इन फ्यूचर जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोनों में बस इसी राइट right के रिगार्डिंग ये डिफरेंस था कि किसको प्रेफरेंस मिल रही है रिगार्डिंग ऑल दोज राइट्स द राइट टू रिसीव द डिविडेंड एंड राइट टू रिसीव रिटर्न ऑन ऑफ कैपिटल ठीक है डिबेंचर्स क्या है डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन्स कंपनी क्या करती है सर्टिफिकेट इशू करती है पब्लिक में और उन्हें कहती है कि आप मुझे पैसा दीजिए थोड़े टाइम के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए और बदले में मैं आपको क्या दूंगा आर फिक्स इंटरेस्ट पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आपको रेगुलर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस जो है क्या करूंगा पेमेंट्स करूंगा ठीक है तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं काइंड ऑफ लोन्स होते हैं ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको रेस कर कर जिनको इशू कर कर फंड्स रेस किए जाते हैं बाय कंपनीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ, लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म बॉर्ड्स में आएगा रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं वो प्रॉफिट्स जो कंपनी लोगों मतलब अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए अपने पास अलग से रख लेती है फॉर द फ्यूचर यूज उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स की कंपनी ने अपने पास रिटेन कर कर रख लिया है और शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही हैं सिर्फ दो तीन और आ जाते हैं वो है जैसे अकाउंट पेबल्स शॉर्ट टर्म बॉर्ग्स शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन्स लिए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट

टर्म्स का अगर स्टिल आपको थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मैंने बताया है कि रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक चैनल पर वीडियो अपलोडेड है उनका लिंक आई विल ट्राई टू मैंशन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हो आप बाकी चैनल पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही एंड टू टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई रियली होप कि आपको ये चारों पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे इन केस ऑफ एनी डाउट गाइस आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज ऑल For today thank you very much for watching the videos bye bye